जय हिंद, मैं ऑल व्यूअर एंड आल्सो सब्सक्राइबर। आज की इस वीडियो में हम ई बराबर एम से स्क्वायर मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिए गए इक्वेशंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे, मतलब कैसे इसको प्रूव करें ये सीखेंगे। तो 27 सितंबर 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह हमें फार्मूला दिया था, E बराबर एम से स्क्वायर। यह इक्वेशन 27 सितंबर 2005 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा हमें दिया गया था। अब हम समझेंगे कि ये इक्वेशन हमें क्या बताता, क्या है ये इक्वेशन का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे E और एम सी है क्या। तो देखिए, ई यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। और सी जो है यहाँ पे है प्रकाश की चाल। तो जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान और प्रकाश के चाल के दो गुना, प्रकाश के चाल के दो गुना के बराबर होती है। इक्वेशन की मदद से अल्बर्ट आइंस्टीन हमें यह बताना चाहते थे कि जो ऊर्जा है उसे हम द्रव्यमान में या द्रव्यमान को ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन के द्वारा अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें यह बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान में हम चेंजेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। मान लो ये कोई कण है, ठीक है, कोई भी कण है। अब इसमें जो ऊर्जा है, ऊर्जा E कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, हम इस फार्मूले से करेंगे, ठीक है। E बराबर एम सी स्क्वायर। अब मान लो ये कोई कण है तो इसका कोई द्रव्यमान भी होगा। द्रव्यमान मतलब ये 1 किलो का है, 2 किलो का है, कुछ ग्राम का है, 500 ग्राम का है, कुछ तो है, इसका भार कुछ तो है ना। उसमें हम अगर सी प्रकाश की चाल का वर्ग करके गुणा कर देंगे तो इसकी जो है हमें एनर्जी ऊर्जा पता चल जाएगी। यही हमें अल्बर्ट आइंस्टीन बताना चाह रहे हैं इस फार्मूले से। तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। इसको हम प्रूव करने वाले हैं फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर दो कण है, ठीक है, एक कण ये है, एक कण ये है। ये कण यहाँ पर स्थिर है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, द्रव्यमान एम नॉट है, और ये एक कण है जो गतिमान है, ठीक है, गतिमान है, इसलिए हम इसका द्रव्यमान मान रहे हैं m, क्योंकि ये स्थिर है और ये गतिमान है। जो भी कण गतिमान होता है उसका द्रव्यमान स्थिर होने से अधिक होता है। जो भी कण गतिमान होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर होने से अधिक होता है। मान लो कोई भी चीज़ 1 किलोग्राम की है, वो स्थिर है, ठीक है। अगर इसी को हम गति दे देंगे तो इसके द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए ये 1 किलोग्राम का था तो ये 2 किलोग्राम का हो गया, मान लीजिए ये 2 किलोग्राम का हो गया, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान था उसमें वृद्धि हो जाएगी। जब भी कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो बढ़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। चलिए आगे देखते हैं। हम बात कर रहे थे थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की। तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि अगर थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का अर्थ ही है किसी भी कण के सापेक्ष किसी दूसरे कण की तुलना करना। तो यहाँ पे हम ये एम नॉट जो स्थिर कण है उसकी तुलना हम जो गतिमान कण है उससे करेंगे, ठीक है। चलिए थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मान लीजिए एम है, एम गतिमान कण का द्रव्यमान, और एम नॉट स्थिर कण का द्रव्यमान, अपान अंडर रूट 1 माइनस वे
स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला है। इसी से हम प्रूव करने वाले हैं ई बराबर एम सी स्क्वायर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे m क्या है, जो कण मोशन में है, गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान, और m नॉट जो है ये है जो कण स्थिर है उसका द्रव्यमान, और v क्या है, वेलोसिटी, c क्या है, लाइट प्रकाश की ऊर्जा, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमको ये चीज़ प्रूव करना है। ठीक है, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, किस लिए कर रहे हैं, इस अंडर रूट को हटाने के लिए। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो m था, m का वर्ग करेंगे m स्क्वायर हो गया, बराबर m नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर, फिर ब्रैकेट का स्क्वायर। देखिए m स्क्वायर तो ऐसे ही है, ठीक है, बराबर m नॉट, ये स्क्वायर यहाँ पे आया, ठीक है, एम नॉट स्क्वायर हो गया, बटे अब ये स्क्वायर जब यहाँ पे आएगा तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा और ये स्क्वायर यहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि ये होल का स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर जब यहाँ पे गया तो एम नॉट स्क्वायर हो गया, और जब यहाँ पे आया तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, 1 माइनस वी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर, ये हमारा बचा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम इस साइड भेज देते हैं। जब भी कोई चीज़ बराबर में बटे के नीचे होती है, जब इसे हम इस साइड भेजेंगे तो ये यहाँ पे बटे में था ना, इस साइड आएगा तो गुड़े में हो जाएगा। ठीक है, तो एम स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हमारा क्या बचा, एम नॉट स्क्वायर। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, चलिए कर देते हैं। एम स्क्वायर वहीं पर है, सी स्क्वायर का गुणा वन में करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का गुणा वन में करेंगे तो वी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर का गुणा वन में करेंगे तो सी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर। अब हम इस एम स्क्वायर का गुणा इसमें कर देते हैं सी स्क्वायर में और माइनस वी स्क्वायर में, चलिए कर देते हैं गुणा। एम स्क्वायर का गुणा सी स्क्वायर में करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो एम स्क्वायर और वी स्क्वायर बटे में क्या है सी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर। अब इस सी स्क्वायर को हम इस साइड भेज दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष, सॉरी एम के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एम के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर यहाँ पे दो फंक्शन है, तो यहाँ पे दो फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे, तो हम सबसे पहले उस फार्मूले को जान लेते हैं। यहाँ पर हमारा दो फलन एफ एक्स एफ वाई दिया गया है, जिसका हमें एफ जेड के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रथम फलन को हम ऐसे लिखेंगे इनटू दूसरे का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा फलन इनटू पहले का अवकलन। ये दो फलन जब दिए गए हैं उसका हमें अवकलन करना है, तो उसका फॉर्मूला है, हमें इसे याद रखना है। तो चलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसका अवकलन करते हैं।
एम स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है तो एम स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और एम बचेगा, और सी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही रहेगा डी एम माइनस ब्रैकेट प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन। ठीक है, तो हम प्रथम फलन वी स्क्वायर को मान रहे हैं और द्वितीय फलन एम स्क्वायर को, तो प्रथम फलन को हम ऐसे लिखेंगे, दूसरे फलन का अवकलन करेंगे, तो प्रथम फलन मतलब वी स्क्वायर ऐसे लिख दिए, और द्वितीय का अवकलन 2m इंटू डी एम प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन बराबर 0। यहाँ पर 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर एंड सी स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो अभी यहाँ पर आ गया हमारा 2m सी स्क्वायर डी एम माइनस, अभी देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये हमारा 2m v स्क्वायर, देखिए ये 2m और ये v स्क्वायर डी एम, हम इसे अरेंज करके बस लिख रहे हैं, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह था तो ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। आगे हो जाएगा हमारा 2m स्क्वायर v डी वी बराबर 0। अब देखिए 2m इसमें भी है, 2m इसमें भी है, 2m इसमें भी है, हम 2m को कामन ले रहे हैं, 2m को जब हम कामन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा सी स्क्वायर डी एम माइनस, ये 2m कामन चल गया, v स्क्वायर डी एम माइनस 2m कामन गया, मगर यहाँ पे m जो है दो बार था तो एक m बचेगा, m v डी वी बराबर 0। अब यहाँ पे सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी बराबर 0। इस 2m को हम यहाँ पर गुणे में है ना, तो बराबर के इस साइड भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो 0 के बटे में कुछ भी रहेगा तो 0 ही लिखेंगे, तो ये जो है 0 हो गया, बचा हमारा सी स्क्वायर डी एम माइनस वी स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी बराबर 0। इसको हम थोड़ा और अरेंज करके लिख लेते हैं, सी स्क्वायर डी एम बराबर वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी। देखिए यहाँ पे जो है ये चीज माइनस में था, बराबर के इस तरफ, जब बराबर के हमने इस तरफ लाया तो माइनस का चिन्ह अब क्या हो गया, प्लस में हो गया, ये माइनस का चिन्ह प्लस में हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसे हमें याद रखना है। तो इसे अब हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम यूज़ करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एफ बराबर होगा चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे पी क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, जानते हैं P बराबर क्या होता है, m इंटू v मास इंटू वेलासिटी, यहाँ पर P क्या है, मोमेंटम, f बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, P बराबर m v मास इंटू वेलासिटी, ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो अब हम इसका प्रयोग करेंगे, अब हम इस P की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो हो जाएगा हमारा f बराबर d अपान डी टी इंटू एम एंड वी। देखिए यहाँ पे ये प्रथम फलन ये द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्रथम फलन, प्रथम फलन मतलब एम इंटू द्वितीय का अवकलन डी वी अपान डी टी प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे हमने एक चीज़ स्किप कर दिया था,
जब भी कोई चीज़ गतिमान होती है, जब भी कोई चीज़ गतिमान होती है तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी कार्य करती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब डी के बराबर क्या? dW। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, और वर्क डन जो होता है W किसके बराबर होता है? F × S, जहाँ पे F क्या है? फोर्स, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। F फोर्स और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम dW को हम FdS भी लिख सकते हैं। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस F की जो वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो हमारा D के बराबर हो जाएगा M, D के बराबर FdS है ना, तो जो F की वैल्यू है हमारी ये चीज़ हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, MdV/dt प्लस VdM/dt। F की वैल्यू हमने रख दिया और ये ds हमने ऐसे रहने दिया। अब इसे सेपरेट करके अलग अलग करके लिख लेते हैं, MdV/dt, ये ds का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे ds प्लस VdM/dt और ये ds, ये किसके बराबर है? dK के, काइनेटिक एनर्जी के। अब हम इसे लिख सकते हैं dK बराबर MdS/dt एंड dV। देखिए जो ds था इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और dV को हमने यहाँ पर लिख दिया, एक दूसरे के स्थान को परिवर्तित कर दिया और कुछ नहीं किया। VdS/dt और dM, और हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। यहाँ पे ds/dt क्या है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो जहाँ पर ds/dt है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं। तो आगे हो जाएगा हमारा dK बराबर MvdV प्लस v और ये ds/dt मतलब v, ये v के ही बराबर होगा ना, तो ये v और ये वाला v मिलकर v² dm। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन का हम इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करेंगे। नंबर 1 क्या था? देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारा था c²dm बराबर v²dm प्लस mv/dv, ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारा। अभी हम देख पा रहे हैं कि d के बराबर क्या है? v²dm प्लस mv/dv मतलब क्या है कि हम dK के बराबर c²dm लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 4 कैन राइट dK इज इक्वल टू c²dm। हम इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर, समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे, किस लिमिट के सापेक्ष करेंगे? तो m से लेकर m0 तक करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन 0, जब काइनेटिक एनर्जी 0 थी तब, और के जब कण जो था द्रव्यमान तब काइनेटिक एनर्जी थी तब तक करेंगे। तो dK बराबर m0 to m c²dm। dK का समाकलन करेंगे तो k बचेगा बराबर c² कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, dm का क्या हो जाएगा? m, और लिमिट क्या है? m0 से लेकर m तक।
हम लिमिट रख देते हैं। लिमिट कैसे रखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एम माइनस एम नॉट। हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल गया। जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है? ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कण स्थिर था तो उसका द्रव्यमान क्या था? एम नॉट था, और से स्क्वायर, यही एनर्जी होता है ना। एनर्जी बराबर एम से स्क्वायर, आइंस्टीन फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जब कण स्थिर था तो द्रव्यमान एम नॉट था और से स्क्वायर प्रकाश की चाल। तो चलिए अब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। E बराबर काइनेटिक एनर्जी हमने कितना पाया? हमने पाया है C स्क्वायर m माइनस m नॉट प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा m नॉट है और C स्क्वायर। अब देखिए C स्क्वायर का गुणा जब हम m में करेंगे तो m C स्क्वायर माइनस m नॉट C स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सॉरी एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर प्लस में है और एम नॉट सी स्क्वायर माइनस में है, तो ये घट के जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा? ई बराबर एम सी स्क्वायर।